स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज के वीडियो में बात करेंगे जेटेड सिलेबस को लेकर के कुछ नया अपडेट। तो देखिए, जेटेड सिलेबस को लेकर के पिछला वीडियो हमने बताया था कि 6 तारीख का जो कैबिनेट मीटिंग है उसमें संशोधन हो सकता है। सभी लोग आस लगाए हुए थे, हम भर नहीं, सभी लोग उम्मीद लगाए हुए थे कि जितना जल्दी कैबिनेट का मीटिंग हुआ या फिर जैक में जैसा बोला गया था या शिक्षा मंत्री जैसे बोले थे या फिर शिक्षा सचिव जैसे बोले थे, उन सभी बातों को सुन के लगा था कि हाँ 6 तारीख को जो है कैबिनेट में जो मीटिंग है उसमें प्रस्ताव रखा जाएगा ये नियमावली चेंज का और हम लोग का सिलेबस चेंज हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। 63 को कैबिनेट में प्रस्ताव को पारित किया गया, रखा गया, लेकिन उसमें जेटेड का कहीं पे जिक्र नहीं हुआ है ना। उसके बाद फिर देखा गया तो तुरंत शिक्षा मंत्री का बयान जो है तुरंत पलटू राम बन गए, तुरंत पलट गए। ठीक है, उससे जस्ट एक दो दिन पहले सभी ने आश्वासन दिया था, चारों तरफ न्यूज़ में आप देखेंगे पेपर ऊपर में, कि सब ने शिक्षा मंत्री में भी कह दिया हाँ इसमें गड़बड़ी है, सुधार किया जाएगा। शिक्षा सचिव में भी कह दिया, उसको भी खोल खोल के दिखाया गया पूरा सिलेबस, NCT का जो गाइडलाइन है, रूल रेगुलेशन है, सब दिखाया गया। तो उन्होंने भी बात को माना कि हाँ ये तो एकदम गड़बड़ है, इस पर सुधार होगा और जैसा NCT का नियम कानून है उसी पर सिलेबस होगा। लेकिन ये जो शिक्षा मंत्री है हम लोग का, कहाँ गया अभी दिखा दे रहे हैं, एक क्लिप, एक वीडियो आपने दिखा ही होगा, अभी नहीं मिल रहा है नहीं तो दिखा देते, या देखते हैं एडिट तक मिलेगा तो उसको दिखा देंगे। तो उसमें फिर से शिक्षा मंत्री, जैसे पहले आपको दिखाए थे उसमें बता दिया था, उसमें भी बोले थे कि वही बात कि जो है सिलेबस ठीक है, अच्छा है ना, शिक्षक बनने के लिए इतना होना चाहिए। उसके बाद फिर बाद में जब उनको सामने सब कुछ दिखाया गया तो उन बातों को मानने में तैयार हुए, कहाँ सिलेबस में गड़बड़ी है, इसको सुधार किया जाएगा। लेकिन फिर कल परसों जब टेट पास वाले, जेटेट पास वाले गए थे, उन लोग कुछ दूसरा मुद्दा लेकर गए थे कि हम लोग को डायरेक्ट बहाली कर दिया जाए, ऐसा कुछ मुद्दा लेकर हम लोग परमानेंट कर दिया जाए, ये मुद्दा लेकर जाया गया था उनके पास। तो उन्होंने तो उनको तो साफ मना कर दिया और ये ठीक है, वो अलग बात है। लेकिन फिर जब उन्होंने सिलेबस पर भी पूछा कि क्या सिलेबस जो है वो चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो नहीं, सिलेबस डायरेक्ट बोल दिए कि सिलेबस जो है वो चेंज नहीं होगा, क्योंकि सिलेबस जो, हाँ बोले चेंज होगा तो मैंने कुछ कुछ अगर आउट ऑफ सिलेबस है तो उसको सुधार किया जाएगा, वो जैक से बात चल रहा है, लेकिन सिलेबस में ग्रेजुएशन लेवल का क्वेश्चन होना चाहिए, क्योंकि टीचर बन रहा है तो टीचर को एकदम योग्यताधारी होना चाहिए, योग्यता उसके पास होनी चाहिए पढ़ाने का, ग्रेजुएट का योग्यता होना चाहिए, ऐसा कुछ बात कहते हुए नज़र आ रहे हैं। ये हमारे जगन्नाथ बेचारे चल गए, ये बैद्यनाथ राम जी शिक्षा मंत्री है ना, अरे बात बोल रहे हैं कि हम जगन्नाथ महतो नहीं है, है ना, मतलब हम ऐसा नहीं जगन्नाथ महतो जैसा हमको नहीं सोचिएगा कि हमको बात मनवा लीजिएगा, हम नहीं मानेंगे, है ना। और ये कह रहे हैं कि ग्रेजुएशन लेवल का होना चाहिए शिक्षक पढ़ाने के लिए, 8वां तक पढ़ा रहे हैं तो आपको ग्रेजुएशन लेवल का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। तो हम फिर से वही बात कहेंगे या सभी शिक्षक वही बात कह रहे हैं कि ग्रेजुएशन लेवल का ही अगर चाहिए तो आप लीजिए ग्रेजुएशन लेवल का भी, लेकिन हमारा जो सब्जेक्ट है, जिसका जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट का लीजिए ना। तो इतना इन लोग को कोई समझा क्यों नहीं पा रहा है कि आखिर एक सब्जेक्ट में कोई ग्रेजुएट होता है, हम ग्रेजुएट हुए हैं मैथ में, हम बायोलॉजी जूलॉजी बोटनी ये सब नहीं जानेंगे, है ना, पहले पढ़ाते हैं वो बाद में हम अपना करके, हम टीचर हैं तो हम पढ़ा लेते हैं, हम जानते हैं, लेकिन सब तो नहीं जानेगा। तो मैथ ऑनर्स वाले बायोलॉजी नहीं पढ़ता है, अब बायोलॉजी ऑनर्स का सिलेबस दे दिए हैं, मैथ ऑनर्स वाले ही इधर इंग्लिश ऑनर्स वाला सिलेबस दे दिए हैं, हिंदी ऑनर्स वाला सिलेबस दे दिए हैं, तो मैथ ऑनर्स वाले केमिस्ट्री ऑनर्स वाला दे दिए हैं, फिजिक्स बायोलॉजी सब ऑनर्स पेपर दे दिए हैं, तो सब ऑनर्स पेपर एक इंसान से कैसे होगा। आपको पिछला वीडियो में आपको समझाए थे कि जैसा सिलेबस है उसके हिसाब से हम लोग को 8 या 9 पेपर में ग्रेजुएशन करना होगा, तब जा करके होगा। तो इतना ज़्यादा योग्यता खोज रहे हैं हमारे सरकार, तो हम लोग को अगर इलेक्शन एक आध महीना बाद है, ये है एक दो महीना बाद है इलेक्शन, उसमें भी हम तो सबको यही कहेंगे कि योग्यता देख के ही वोट दीजिएगा, है ना, ऐसे आ जाए कोई हो तो वोट नहीं दीजिएगा। ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन यानी नेतवैनों का भी एग्जाम होना चाहिए, आवाज़ उठाना चाहिए कि इतना बड़ा जब तो 5वां क्लास तक बच्चा को संभालने के लिए हम लोग इतना बड़ा एग्जाम ले सकते, अगर टीचर से लिया जाए 6ठा क्लास 8वां क्लास पढ़ाने के लिए इतना बड़ा नॉलेज होना चाहिए, जो पूरा छोटा छोटा बच्चा को हम संभालना है उसके लिए इतना एग्जाम, तो जो पूरा राज्य को चला रहा है, हैं, पूरा अपना ब्लॉक देख रहे हैं या पूरा जो पूरा अपना राज्य, अपना विधानसभा क्षेत्र, अपना जो भी क्षेत्र आ रहा है, उतना बड़ा बड़ा क्षेत्र को देख रहे हैं, उसमें सब मसला हो सकता है, रोड का, बिजली का, पानी का, सब कुछ का, उतना बड़ा बड़ा चीज़ को देख रहे हैं और वो कैसे ठेपा मार हो जाते, वो कैसे अनपढ़ लोग कर लेते हैं, नहीं समझ में आता है। इसलिए पढ़ा लिखा लोग होना चाहिए, सब चीज़ में एग्जाम कर दीजिए, है ना, सब चीज़ में एग्जाम होना चाहिए,
इलेक्शन लड़ने के लिए भी एग्जाम, सब में एग्जाम और खतरनाक एग्जाम, यूजी पीजी है ना। जब अगर एगो चपरासी झाड़ू लगाना रहता है ना, देख रहे ना, झाड़ू लगाने का कहीं निकला है चपरासी का, उसमें भी कहता मैट्रिक पास और उसमें एग्जाम लेता है, अच्छा खासा एग्जाम लेता है, सब में पास होता है, एक आध लाख भरता है उसमें, वही 100-150 पास होता है। तो जब झाड़ू लगाने के लिए उतना खतरनाक एग्जाम हो सकता है, तो समझिए तो राज चलाने के लिए, देश चलाने के लिए कितना बड़ा एग्जाम होना चाहिए। लेकिन ना, उन लोग कोई और है चोर चुहार, सब हो जाएगा सही, तो ऐसा स्थिति है। तो खैर, क्या उम्मीद किया जाए अब सिलेबस को लेकर के? तो उम्मीद नहीं छोड़ना है, कमेंट में आप ही बताइए, आप सभी लोग बताइए कि करना क्या चाहिए, है ना। ऐसे नहीं मानने वाले हैं ये लोग, है ना, तुरंत बात को पलट दिए ना, तुरंत बोले थे उस दिन हाँ सुधार हो जाएगा 10 तारीख तक, इसलिए 10 तारीख हम इंतजार कर रहे थे। जैक भी बोला था हाँ 10 तारीख तक हो जाएगा, उधर शिक्षा सचिव बोले 10 तारीख तो हो जाए, लेकिन 10 तारीख पार हो गया और उधर आके बकबका के चल गए कि ना सिलेबस जो है ठीक है, हम शिक्षक बना रहे हैं तो वो योग्यता होनी चाहिए। देखो अभी हम देखें नोटिफिकेशन आर्मी स्कूल का आया हुआ है, आर्मी स्कूल का, आपने आपसे कहेंगे भी कि भर दीजिए, ठीक है, आर्मी स्कूल का वहाँ का भी सिलेबस देखें, आर्मी स्कूल ऐसा चीज़, झारखंड का जो सरकारी स्कूल है उससे भी घटिया का आर्मी स्कूल है। आर्मी स्कूल बहुत खतरनाक, बहुत बड़ा स्कूल होता है ना, अहरू गहरू स्कूल नहीं है, हम लोग का झारखंड में जैसा स्कूल है वैसा। तो आर्मी स्कूल का जो सिलेबस देखे अभी हम, 1 to 5 पढ़ाने के लिए 6 to 10 है, 6 to 8 के लिए भी 6 to 10 ही सिलेबस है, बस बोला उसी में वही थोड़ा है कि उसका डिफिकल्टी लेवल थोड़ा है, वो पूरा सिलेबस एकदम पूरा दिखा दिया सिलेबस है ना, लिख दिया वो 6 to 10 का रहेगा। तो आर्मी स्कूल है, आर्मी स्कूल में टीचर बनने के लिए 6 to 8 में काम हो जाए, 6 to 10 का सिलेबस पढ़ेंगे हो जाएगा काम, है ना। अब बहुत कमेंट किया था पिछले वीडियो में कि आपका कहने का मतलब है कि 10वां पास रहेगा और उसको टीचर बना दे, अरे भैया वो कामानुस, 10वां पास में कोई बीएड करता है, 10वां पास में कोई अगर डीएलएड करता है तो हम लोग झूठों के इतना पढ़े, तो वहीं पर हम लोग एड्रेस बताइए, अपना बच्चा जितना है सबको मैट्रिक लिखे कहेंगे जाओ बीएड करो और टीचर बनो, ठीक है। तो टीचर बनने के लिए खुद इंटर ग्रेजुएशन बीएड पीजी जो भी है उतना करके आना पड़ता है, ठीक है, तब जा कर के बीएड किया जाता है, डीएलएड किया जाता है, तब ये एग्ज़ाम भर सकते हैं, है ना। बात रहा ये जो एग्ज़ाम है एलिजिबिलिटी टेस्ट का, उसका आर्मी स्कूल का देखें वही है जो एनसीटी का गाइडलाइन है, एकदम सेम टू सेम वही सिलेबस है। सीटेट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो एग्ज़ाम है सीबीएसई स्कूल के लिए है। अब सीबीएसई स्कूल से भी अच्छा है हमारे झारखंड की स्कूल, आप देखे होंगे आपने गांव के होगा, आपके गांव आसपास सब हर गांव में सरकारी स्कूल है, देख लीजिएगा झारखंड का स्कूल का क्या हाल है। और इसको क्या बोल रहे हैं, हम क्वालिटी टीचर देना चाह रहे हैं, मतलब हमको लग रहा है कि 2025 में आर्मी स्कूल से भी खतरनाक स्कूल बना देगा, जितना सीबीएसई स्कूल है बड़ा बड़ा उन लोग से भी खतरनाक स्कूल बना देगा, डीएवी और ये सब वो सब खत्म हो जाएगा, ठीक है, मॉडल स्कूल ये सब सब खत्म हो जाएगा, अब झारखंड का स्कूल पूरा भारत में 1 स्कूल रहेगा, है ना, इतना ज़्यादा झारखंड का स्कूल का ये हो गया है। तो कहीं कोई एंगल से सही नहीं है, रूल रेगुलेशन से तो एकदम परे है, और इधर देख लीजिए कहीं का भी सिलेबस देखिए ना, ना आर्मी स्कूल ये छोटा मोटा स्कूल नहीं होता है, सिलेबस देखिए बहुत आसान है। और आप सभी से कहेंगे झारखंड का चक्कर जो भी है वो तो लगे रहिए, लेकिन ये भरा आया है आर्मी स्कूल का आया हुआ है, उसको भर दीजिए, ठीक है, हम भी भरेंगे, आप सब तैयारी करिए और उसका एग्ज़ाम दीजिए, ठीक है, बहुत आसानी से होगा। और इधर जो जेटेट का सिलेबस पर बात है, तो जेटेट का सिलेबस अभी भी हम हिम्मत नहीं हारना है, क्या करना है कमेंट में बताइएगा, जैसा सबका मशवरा रहे, जैसा सबका राय रहे वही करना होगा, हिम्मत नहीं हारना होगा, क्योंकि देखो शोषण के विरुद्ध आवाज़ उठाना ही पड़ता है। झारखंड क्रांतिकारियों की भूमि है, झारखंड क्रांतिकारियों की भूमि है, ठीक है, क्रांति के बिना ही यहाँ कुछ नहीं मिला है, झारखंड खुद जो झारखंड अभी है ना वो झारखंड ही नहीं मिला है बिना क्रांतिकारी का, तो बिना क्रांति का कुछ नहीं मिला है, झारखंड बनने के बाद भी कुछ नहीं मिल रहा है, वही चलते आ रहा है जो पहले से हुआ कि हर बार क्रांति करो तब कुछ मिले, है ना। झारखंड अलग होने का बाद सोचा गया था, इंसान सोचे थे कि झारखंड अब अलग हो गया, अब क्रांति नहीं करना पड़ेगा, लेकिन अभी भी क्रांति करना ही होगा, क्योंकि भले झारखंड टुकड़ा टूट गया है बिहार से कि अलग, लेकिन यहाँ कब्जा अभी भी ज़्यादातर बाहर के लोगों का है, इसलिए आगे आना होगा, ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए आप कमेंट करिए जैसे करना होगा, सिलेबस को तो चेंज करवाना ही होगा, जो नियम है उस नियम पर हम लोग रहेंगे, है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जैसे कुछ अपडेट आता है बताएंगे,
और मैथ का क्लास स्टार्ट कर दिए हैं, क्लास करना शुरू कर दीजिए, है ना। उधर जो भी है उधर करते रहिए, लेकिन क्लास करते रहिए, पढ़ते रहिए, ठीक है। तैयारी भी करते रहिए, ऐसा नहीं कि पूरी तरह से जब क्लियर हो जाएगा तब तैयारी करने बैठेंगे, नहीं। एग्ज़ाम बहुत जल्द लेगा, एग्ज़ाम लेगा, कहे कि वोटवा है ना, वोटवा से पहले एग्ज़ाम लेवे करेगा, इसलिए जल्द पूरा तैयारी में जुटे हुए रहे, ठीक है। मिलते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।